हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, जो इकोसिस्टम होता है उसमें लाखों टाइप के, या यूं कह लीजिए करोड़ों टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। और वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो ये जो लाखों टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, चाहे डिफरेंट डिफरेंसेस हो उनकी कलर में, शेप में, साइज, लाइफ स्पैन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट में। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो अर्थ के ऊपर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इनमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी है। इस वेरिएबिलिटी को, इन डिफरेंसेस को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी इज द वेरिएबिलिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लाखों टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, इनको यदि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको स्टडी करने के लिए, इनकी स्टडी को ईजी करने के लिए, टू मेक द स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म ईजी, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ईजी करने के लिए हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए। किस बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें, उसको आज हम समझेंगे। व्हाट आर द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक एक ऑर्गेनिज्म को यदि हम स्टडी करेंगे तो लाखों करोड़ों टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, इनको स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड ये जो डिफरेंट ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में हम जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता जो डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर, इनमें जो डिफरेंसेस हैं, वेरिएबिलिटी है इनमें, जो अलग अलग ये टाइप के हैं, इसको हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, स्टडी को ईजी बनाने के लिए हम इन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। और क्लासीफिकेशन के लिए जो बेस होते हैं वो मेनली फाइव टाइप्स के, पांच बेसिस पे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला बेस होता है क्लासिफिकेशन का, वो होता है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स दो टाइप के होते हैं मेनली, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ये हम पहले पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हाइल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड जो बेस है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का है, वो है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स, हम जानते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि कुछ अदर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बना होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जबकि बहुत सारे सेल से मिलकर बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। सिंगल सेल में ही जो लाइफ के लिए जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सभी इस एक सेल में ही परफॉर्म होती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस। कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरे ग्रुप ऑफ सेल दूसरे टाइप का टिश्यू बनाएंगे, वो दूसरे टाइप का मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो जो दूसरा बेस है फॉर द क्लासिफिकेशन, इट इज नंबर ऑफ सेल। थर्ड बेस इज
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, उनको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। जबकि जो कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रोप्स। जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स व्हाइल अदर ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड। ये जो हेटरोट्रोप्स है, दीज ऑर्गेनिज्म टेक द फूड फ्रॉम ऑटोट्रोप्स। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रोप। फोर्थ जो बेस है फॉर द क्लासिफिकेशन वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ हमने ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हम प्लांट्स के लिए लेते हैं। प्लांट्स की बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें रूट स्टेम लीव्स अलग अलग से हम नहीं पहचान पाते, पूरी की पूरी बॉडी हमें एक जैसी सी ही लगती है। उनको हम प्रीमिटिव प्लांट या लोअर प्लांट बोलते हैं। जबकि कुछ जो एडवांस प्लांट होते हैं उनमें टिश्यू फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज बनाते हैं, और ये जो डिफरेंट टिश्यूज है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कंडक्शन का फंक्शन हो चाहे प्रोटेक्शन का फंक्शन हो। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एक बेस होता है फॉर द क्लासिफिकेशन इन द प्लांट्स। एंड फिफ्थ इज, ये जो फिफ्थ बेस है फॉर द क्लासिफिकेशन ये है स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन इन टिश्यूज। ये होता है एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स जैसे प्लांट्स में बताया था ठीक इसी तरह से कुछ एनिमल्स लोअर एनिमल्स होते हैं, इनमें जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती फॉर किसी फॉर डेफिनेट फंक्शन। जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक एक प्रकार से जो सेल्स हैं वो मिलकर सारे सेल्स सब तरह के काम करते हैं, उनको हम लोअर एनिमल बोलते हैं। जबकि जो हायर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल या प्रीमिटिव एनिमल्स भी बोल देते हैं, जबकि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है डिफरेंट टिश्यूज का एंड डिफरेंट ऑर्गन्स का। जो ये कुछ टिश्यूज स्पेशलाइज फंक्शन के लिए, एक प्रकार से यूँ कहूँ मैं, कुछ टिश्यूज स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग लंग्स हैं, लंग्स के जो टिश्यूज हैं, लंग्स एक ऑर्गन है और लंग्स में जो टिश्यू है वो फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, ब्लड लंग्स के कॉन्टैक्ट में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ठीक इसी तरह से जो हार्ट है, हार्ट के जो टिश्यूज हैं, हार्ट एक ऑर्गन है और हार्ट के जो टिश्यूज हैं फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड काम करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन होता है फॉर द डिफरेंट फंक्शंस इन द टिश्यूज इन एनिमल्स, व्हाइल जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर एनिमल्स हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू डज नॉट टेक्स प्लेस। तो ये थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां हमने पढ़ा है डाइवर्सिटी क्या होता है, वेरिएबिलिटी और डिफरेंसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई क्लासिफिकेशन इज डन टू मेक द स्टडी इजी, एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के जो बेस होते हैं, जो मोस्ट बेसिक जो करैक्टर है जिस पर क्लासिफिकेशन जिस बेस पे की जाती है वो है टाइप ऑफ सेल। आइदर एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स और इट इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, व्हाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेकेंड होता है नंबर ऑफ सेल, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, बहुत सारे सेल्स इसमें होते हैं। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर
एनी ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स से फूड लेते हैं। एंड फोर्थ जो बेस है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, एंड फिफ्थ इज स्पेशलाइजेशन इन टिश्यू इन एनिमल्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।